बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं विंटर फेयरनेस कोल्ड क्रीम, क्योंकि विंटर सीजन है और हमें बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो जाती है, तो हमें कोल्ड क्रीम और मॉइस्चराइजर क्रीम की ज़रूरत होती है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में आपको मॉइस्चराइजर क्रीम्स और नाइट क्रीम्स बनाना बताई हुई हैं। आज मैं आपको कोल्ड क्रीम बनाना बता रही हूँ, ऐसी कोल्ड क्रीम जिसके लगाने से आपका कलर डल नहीं होगा बल्कि आपका कलर फेयर होगा। जी हाँ, आज मैं फेयरनेस कोल्ड क्रीम बनाने वाली हूँ। आपको मेरे सामने इंग्रेडिएंट तो नज़र आ ही रहे होंगे कि कितनी ज़्यादा चीज़ें मैंने रखी हुई हैं इस क्रीम को बनाने के लिए। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि हम इस कोल्ड क्रीम में क्या क्या यूज़ कर रहे हैं। बस सबसे पहले मैं इस बाउल में एलोवेरा जेल ऐड करूंगी। अब मैं इसमें पेट्रोलियम जेल ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून। और अब मैं इसमें कोकोनट ऑयल ऐड करूंगी, हाफ टी स्पून। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। जो पेट्रोलियम जेल ये थोड़ा सा टाइम लेती है मिक्स होने में, ज़रा मुश्किल से ये मिक्स होती है। बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फेयर एंड लवली 1 टीस्पून। सॉरी व्यूअर्स, मेरा कैमरा बंद हो गया था। मैं अब मैं इसमें ब्लू जेल डालूंगी। अब साथ में थोड़ा सा सूथिंग लोशन ऐड करूंगी, चंद ड्रॉप्स स्किन शाइनर के। और ग्लिसरीन चंद ड्रॉप। जो तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड कर लिए हैं, अब उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, इक्वल हो जाएं बिल्कुल। अब मैं इसको इस कंटेनर में पोर कर लेती हूँ। व्यूअर्स देखिए, हमारी कोल्ड क्रीम रेडी है। ये फेयरनेस कोल्ड क्रीम है। व्यूअर्स मैंने इसमें पेट्रोलियम जेल ऐड की है इसलिए क्योंकि मैं इसको अपने हाथ पाँव पर भी यूज़ करने वाली हूँ। अगर आप इसको सिर्फ अपने फेस के लिए बनाना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसमें पेट्रोलियम जेल ऐड मत कीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी हमारी फेयरनेस कोल्ड क्रीम रेडी है। इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।